सो लास्ट क्लासेस तक हमने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर ली। ऑप्टिक स्टार्ट करना है। ऑप्टिक्स इज सिक्स्थ, लास्ट ईयर तक इसका वेटेज 14 मार्क्स का होगा। ऑप्टिक्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक रे ऑप्टिक्स होगा और दूसरा वेव ऑप्टिक्स, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो फिलहाल रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन है, रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद डिस्पर्शन होता है और आखिरी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिफ्लेक्शन सिलेबस से हट गया है, डिस्पर्शन भी ये समझो मेजर पार्ट हट गया है, सिर्फ रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा। वेव ऑप्टिक्स में 3-4 टॉपिक्स हैं, एक इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है पोलराइजेशन भी हट चुका है, डिफ्रैक्शन का भी मेजर पार्ट एक ही चीज रहेगी, काफी पोर्शन हट गया, सिर्फ इंटरफेरेंस बचता है। लिखिए इतना, रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। भाई इतना हो जाए तो बताइएगा। चलिए इसको रख। सो कुछ बेसिक टर्म्स में स्टार्ट कर रहा हूं रे ऑप्टिक्स की, जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन सब में कॉमन है। देखो रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट जो प्रिंसिपल आता है, जहां से रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है, That is rectilinear propagation of light. यहां से ऑप्टिक स्टार्ट हो। देखिए rectilinear propagation of light is basically the fact that light travels in a straight line. सिंपल सी कहानी, सिर्फ ये कहता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल्स In a straight line. अब जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो इसे आप एज अ रे कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो आप इसे एज अ रे कंसीडर कर सकते हैं। अब क्लास 10 तक जो कुछ भी आपने रे की ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस, कोरेस्पोंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, एवरीथिंग, वो सब यहां वैलिड होगा। तो और ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन
कैन बी यूज फॉर इट। तो अब लाइट को एज अ रे कंसिडर करेंगे, तो जो भी आपने स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री के लिए पढ़ा था, जो कुछ भी पढ़ा होगा आपने स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री में, ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में वैलिड होगा। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन, जो कुछ भी आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हर चीज जो आपने ज्योमेट्री में पढ़ी उसे आप लाइट रे के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बाद एक और लाइट की प्रॉपर्टी आती है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट्स प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है, आप अगर एक लाइट ट्रैवल कर रही है और आप कहीं भी लाइट का पाथ चेंज कर देते हैं तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। सिंपल कहता है लाइट कैन रिट्रेस इट्स पाथ। एंटायर पाथ इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। कि मान लीजिए एक मिरर है, ये आपने इस मिरर पर ऐसे कर लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कर दिया, ऐसे कर आपने लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कर दिया, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी तो अपने एंटायर पाथ को रिट्रेस कर देगी। इसे आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं, पूरा अपना एंटायर पाथ रिट्रेस कर जाएगी, दैट्स नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बाद नेक्स्ट, चलिए इतना लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट और इमेज समझते हैं कि ऑब्जेक्ट करके और इतना हो जाए तो बताइएगा। चलिए इसको रब करो। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात समझो कि रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और जनरल टर्म है, सब कुछ आपने क्लास 10th में सुना होगा, बस मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में कराना चाह रहा हूं। रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट एक लाइट सोर्स है जहां से भी लाइट आ रही है। अब वो ऑब्जेक्ट कैंडल भी हो सकती है और पेन भी हो सकता है। अब ये बताओ, और ये ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दोनों हो सकती है, कुछ याद है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में क्या फर्क होता है? आखिरी साल है स्कूल लाइफ का, पिछले 12 सालों में सुना तो होगा ये स्कूल के अंदर, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस जरूर सुना होगा, क्या डिफरेंस होता है ल्यूमिनस? अरे एक एक एग्जाम्पल बता दो, एक ल्यूमिनस का एग्जाम्पल बता दो, एक नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल बता दो। गुड शाहीन, चलो शाहीन को कुछ याद है, और वेरी गुड, नायला को भी याद है, गुड, तुबा को भी याद है,
देखो ल्यूमिनस की अपनी लाइट सोर्स होती है, मतलब इसकी खुद की लाइट है, किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जैसे कि सन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट है जो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल मून। ल्यूमिनस वो है जो इसकी अपनी लाइट होगी, उसको हम सन एग्जाम्पल हो गया, नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल मून हो गया, ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो तरह की ऑब्जेक्ट होती है, रियल और वर्चुअल दोनों से। ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकती है, और आपकी ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकती है। रियल ऑब्जेक्ट होने का मतलब है रेज आर डाइवर्जिंग, अगर ऑब्जेक्ट रियल है दैट मींस रेज डाइवर्ज करेगी, अगर रेज डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट रियल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है लाइक ऑब्जेक्ट है और इससे रेज ऐसे डाइवर्ज हो रही है, तो अगर आपको दिख रहा है कि रेज डाइवर्जिंग है दैट मींस योर ऑब्जेक्ट इज रियल। आपके सिलेबस में सब कुछ एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है, क्लास 10 तक आपने जो कुछ भी पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में दैट्स फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। अगर आप एक पेन ले रहे हो दैट इज अ रियल ऑब्जेक्ट, आप एक कैंडल ले रहे हो दैट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो है जहां रेज कन्वर्ज कर रहे हो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से पहले जहां रेस कन्वर्ज हो रही है उन्हें आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से पहले जहां कहीं भी रेस मीट कर जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी, उसे आप कहोगे कि वो आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये दो तरह की ऑब्जेक्ट्स हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, रियल भी हो सकती है वर्चुअल भी हो सकती है। अगर रेज डाइवर्ज कर रही है किसी पॉइंट से तो आपकी ऑब्जेक्ट रियल है, अगर रेस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है तो आपकी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। इमेज देखिए, इमेज क्या चीज है? इमेज वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर रेस कन्वर्ज या तो कन्वर्ज हो जाएंगी और appear to converge, या तो किसी पॉइंट पर जाकर रेज मीट कर जाए और दे appear to meet या appear to converge, उसे आप इमेज कहो। टाइप्स ऑफ इमेज में दो तरह की इमेजेस हैं, एक रियल इमेज है रियल इमेज के लिए जो रेज होंगी वो रेज कन्वर्ज होती है, कन्वर्जिंग रे। रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद जहां रेज कन्वर्ज कर जाए दैट्स अ रियल इमेज। वर्चुअल जो इमेज है उसमें रेज डाइवर्जिंग होती है, मान लीजिए ऐसे करके रेज डाइवर्ज कर रहे हैं, तो आप आगे इसको कहीं भी ड्रॉ कर दो रेज नहीं मिलने वाली, आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये किसी पॉइंट पर मिलती हुई दिखेगी, इसे आप इमेज करो। रेज डाइवर्ज कर जाएंगी, इसे आप इमेज करो। चलिए इतना लिखिए।
इतना लिखिए, ये हो जाए तो बताइएगा मुझे। सुबह जीशान ने तो लिख लिया, बाकी लोग निशान देखो वर्चुअल कुछ ऐसा है। मान लीजिए एक लेंस है, यहां आपने ऑब्जेक्ट रखी, दो रेस पास कराई, एक रे पास होने के बाद ऐसे चली गई, मान लो ऐसे आ गई, दूसरी रे ऐसे आ गई, ये दोनों रेस आगे जाकर कहीं नहीं मिलने वाली, जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे दूर होती चली जाएंगी। सो दैट मीन्स रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, दैट मीन्स ये रियल इमेज नहीं है। लेकिन अगर आप पीछे प्रोड्यूस करोगे इन्हें तो ये एक आपको कहीं मीट करती हुई दिखेगी, इसे वर्चुअल कहते हैं। अब वर्चुअल का मतलब ये नहीं है कि इमेज दिखेगी नहीं, आपको इमेज नजर आएगी लेकिन स्क्रीन पर नहीं ला सकते। वर्चुअल इमेज किसी स्क्रीन पर नहीं बन सकती। भाई आप आईने में मिरर में जो इमेज देखते हैं ना प्लेन मिरर के अंदर, वो वर्चुअल है, लेकिन आप उस इमेज को किसी स्क्रीन पर नहीं ला पाओगे, इसे वर्चुअल कहते हैं। तो मैथमेटिकली वर्चुअल मीन्स रेस कहीं मीट नहीं कर रही थी, आपने पीछे प्रोड्यूस किया तो एक पॉइंट पर मीट करने लगी, इसे वर्चुअल इमेज। निशान अब वो क्लियर, चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए रिफ्लेक्शन सिलेबस से हटा दिया गया, रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस साल हट गया, लेकिन रिफ्लेक्शन की कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, उसको हम आगे यूज करें। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर कैसे बनता है। मिरर बनता है बाय पॉलिशिंग वन साइड ऑफ सरफेस, पॉलिशिंग वन साइड ऑफ ट्रांसपेरेंट सरफेस। भाई आप ट्रांसपेरेंट सरफेस लो, उसकी एक साइड पॉलिश कर दो, लाइक आपने ये सरफेस ली, इसकी एक साइड को उठाकर आपने पॉलिश कर दिया, जब आपने एक साइड पॉलिश कर दिया तो मिरर बन गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर कई तरह के होते हैं। देखो मिरर आपका प्लेन मिरर भी होगा, स्फेरिकल मिरर भी होगा, मिरर आपका प्लेन भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। सो पैराबोलिक मिरर तो कभी आपके सिलेबस में रहा ही नहीं, लाइक ये तो कभी नहीं होता सिलेबस में, ये दो होते थे पहले। स्फेरिकल मिरर देखो कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर के लिए क्या करते हैं, ये जो मैं डैश शो कर रहा हूं इसका मतलब है पॉलिश किया है। ये वो साइड है जहां से रिफ्लेक्शन होगा,
सो स्फेरिकल मिरर कैसे बनेगा? आपने एक स्फेयर का पीस ले लिया, एंटर, आपने स्फेयर का इतना पोर्शन काटकर अलग कर दिया, अब इस पोर्शन को जिसे आपने काटा है इसका आप कुछ पोर्शन पॉलिश कर दीजिए, आपने ये वाली साइड पॉलिश कर दी तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कॉनकेव साइड पर है, इसे आप कहेंगे दिस इज कॉनकेव मिरर। अगर आप कॉनकेव साइड को पॉलिश कर दें रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स साइड से हो जाता, आपने इस साइड को पॉलिश कर दिया यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो इस मिरर को आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। एक से ड्रॉ करें मैंने आपको डिफरेंस दिखना चाहिए कि कॉनकेव साइड पॉलिश है तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स साइड पॉलिश है तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव साइड को पॉलिश कर दिया रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स साइड से होगा तो ये कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सेंटर पोल है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन सेंटर ऑफ द मिरर, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन जिस स्फेयर से आपने मिरर कट किया है उस स्फेयर का सेंटर, पोल मिरर का सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के सेपरेशन को आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। अच्छा इसके बाद अभी जो साइज है ना मिरर का, यहां से लेकर इसको M1 कह रहा हूं और इसे M2 कहता हूं, इसे अपर्चर कहते हैं, साइज ऑफ द मिरर अपर्चर। चलिए इतना लिखिए, ये कुछ छोटी छोटी चीजें स्फेरिकल मिरर के बारे में जो आपको बताऊंगी चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे। ना हो जाए बताइएगा सर आपका में। जी हाँ, मिरर को इसीलिए पॉलिश करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन। चलिए सब लिख चुके हैं, रब करो उसको। स्फेरिकल मिरर के बाद देखिएगा प्लेन मिरर। अब अगर एक स्फेयर की जगह आप एक प्लेन ग्लास का पीस ले दो और इसे आप पॉलिश कर दीजिए, प्लेन आपने ग्लास का एक पीस लिया और इसे पॉलिश कर दीजिए, इस मिरर को आप प्लेन मिरर। एक चीज याद रखिएगा, प्लेन मिरर आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक ऐसे स्फेयर का पार्ट है जिसका रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है,
जैसे अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है, अब बाहर निकली और अर्थ का एक पोर्शन देखोगे और सामने निकल के सड़क देखो तो स्फेरिकल नहीं दिखता, अर्थ प्लेन दिखता। फिर जो प्लेन मिरर, आप कह सकते हो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। ये प्लेन मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। पैराबोलिक मिरर आपको स्टडी नहीं करना, तो पैराबोलिक मिरर मैं कहीं लिख नहीं रहा। प्लेन मिरर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेज देखिए जो आपको पता होनी चाहिए कि ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रे है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। Passes through or appear to pass through focus. कि मान लीजिए आपने कॉनकेव मिरर लिया, तीन चार रेज हैं ये आपको आनी चाहिए। कॉनकेव मिरर लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो जो रे आप लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट से पास करेगी, उसे फोकस कहते हैं। ऐसे लिया आपने, ऐसे पास, ये फोकस कॉनकेव के लिए। जब इसी डायग्राम को आप कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करोगे, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं रे आप ले रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रे डाइवर्ज हो जाती है, आप पीछे इसे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये किसी एक पॉइंट्स पर कन्वर्ज होती हुई दिखेगी फोकस। तो यहाँ एक्चुअल में नहीं पास हो रही, जब आप पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं तब दिख रही है। तो यहाँ फोकस कॉनकेव में, दिस इज कॉनकेव मिरर, इट्स अ रियल पॉइंट, बट कॉन्वेक्स में दिस फोकस एक्चुअल में पास नहीं हो रही यहां से, इट्स अ वर्चुअल पॉइंट। चलिए इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए इसको रब कर देते हैं। दूसरी जो रे है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। Retrace its path. तो अगर आपने ये center of curvature लिया हुआ है, ये concave mirror है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे आपने ऐसे इंसिडेंट कर दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, तो ये रे अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। आपने ऐसे इंसिडेंट करी, ऐसे चलेगी, रिट्रेस इट्स पाथ। बड़ी इंपॉर्टेंट रे, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मली पास हो रही है मिरर पर ना, नॉर्मल है ये रे। इस रे को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये नॉर्मल है मिरर। अगर आप कॉन्वेक्स लेंगे, मान लीजिए आपने एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ये रे आपने ऐसे इंसिडेंट करी और ये अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया, तीसरी एक रे आप ले सकते हो जो पोल से पास हो रही हो। ये दोनों मिरर्स के लिए एक तरह से जाएगी। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं पास नहीं करा सकता, पॉलिशिंग है, बस मैंने इंसिडेंट कर दी और ये वापस आ गई। अगर मैंने पोल पर किसी रे को इंसिडेंट करा दिया, अरे जो कॉनकेव मिरर ही ले लो, अगर ये कॉनकेव मिरर है और मैं पोल पर रे को इंसिडेंट कर देता, ऐसे मैंने पोल पर इंसिडेंट कर दिया, तो ये रे एज ए सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ऐसे सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट कर देगी। एक और देखिएगा, ये कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स में भी अगर आपने पोल पर रे को इंसिडेंट करा दिया, ये यहां भी बिल्कुल उसी तरह से जाएगी जैसे कॉनकेव में गई। चलिए इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये तीन रेज तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए रिफ्लेक्शन, और ये मत समझना कि रिफ्लेक्शन सिलेबस में नहीं है तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आगे इनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं करा रहा हूं।
मेरा करूँ इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रे नॉर्मली जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। चलिए इसको मैं रब करूंगा। नेक्स्ट देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई आर के इक्वल हो। तो मान लीजिए ये मैंने एक मिरर ले लिया, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड चली गई। दिस इज इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये नॉर्मल है, एंगल्स मिरर से नहीं लेते, नॉर्मल के साथ लेते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ऑल लाइन सेम प्लेन। ये जो तीनों रेज हैं, ये तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगी, इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सब एक प्लेन में लाई करेंगे। इतना लिख लीजिए,
चलिए मैं इसको रब करो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद मिरर फॉर्मूला करीब अच्छा मिरर फॉर्मूला से भी हाँ मिरर फॉर्मूला ही कर लो साइन कन्वेंशन के बाद। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन है, इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होगा उसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं। वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज वन बाय आप ऐसे ही मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं। देखिए मिरर में मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज और हाइट की ऑब्जेक्ट का रेशियो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होगा उसे मैग्निफिकेशन कहेंगे। इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं which is minus, which is height of image by height of object, which is minus v by u. और दोनों ही रिलेशन जब हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। साइन कन्वेंशन क्लास टेंथ में मैं एक बार और डिस्कस कर लूंगा। चलिए इतना लिखिए। करते हैं तो यही आता है, मतलब जैसे डिराइव कर यहां पॉजिटिव साइन आता है, जब इसे डिराइव करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है। एस सच इस नेगेटिव का कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है, कैलकुलेशंस में ऐसी है। अब देखिए साइन कन्वेंशन और सीख लीजिए। अच्छा एक चीज और यार मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा। एक वीक के बाद से देखो सिलेबस ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है, लेकिन आप में से कईयों को न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम है।
एक वर्कशॉप शुरू कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप, ये तीन लेवल्स में होगा, एक बिगिनर्स, अभी बेसिकली आपका स्कूल एग्जाम कवर करेगा। दूसरा ये इंटरमीडिएट है, जो बेसिकली जेई नीट को नीट टारगेट लेके चलेंगे, और उसके बाद एक एडवांस है जिसमें हम जेई टारगेट करेंगे। सब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ज्वाइन करिएगा। और इसमें हम पूरा सिलेबस लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स से लेकर और लास्ट चैप्टर तक सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक एक दो दो घंटे का हुआ करेगा वीक में, जिसमें धीरे धीरे आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर होते चले जाएंगे, क्योंकि सिलेबस वाइंड अप हो रहा है। मेरे लिए बहुत कुछ बचा हुआ नहीं है सिलेबस में कंप्लीट कराने में, और अभी भी न्यूज आ रही है कि शायद कम हो जाए, लेकिन जो सिलेबस बचेगा उससे भी अच्छा पेपर बनेगा। पेपर टफ बनता है, सिलेबस कम हो जाता है, पेपर टफ होता है। तो आप में से ज्यादातर लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब है न्यूमेरिकल्स, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि सीबीएसई के सारे क्वेश्चन हो गए तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। हर लेवल के हिसाब से स्पीड होगी, स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल्स होगा। एक या दो वीक के बाद में शुरू कर पाऊंगा, जरा ऑप्टिक्स एक ढंग की जगह पहुंच जाए तब। साथ साथ चलेंगे, ऑप्टिक्स भी चलेगा और ये भी चलता रहेगा। मतलब ये मैंने ऑर्किड में कभी नहीं किया, मैं और जगहों के लिए करता था, ऑर्किड के लिए नहीं किया, अगर आप लोगों के लिए करते हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास तो कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जितना भी आता है आपके स्कूल एग्जाम्स में या एंट्रेंसेस में वो सब यहाँ कवर हो जाता है। सो देखिए साइन कन्वेंशन, सो पहला मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ फिर उसको समझा भी दूंगा। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, All distances are measured from pole. So, जो भी distances होंगे, जितने भी distances होंगे, सब आप pole से measure करें। So, distances in direction of incident light are positive. And in direction opposite to that of light, are negative. Teesra point hai, height above the principal axis is positive. Height below principal axis is negative. चलिए लिखिए।
चलिए इतना हो जाए तो बताइए मुझे, फिर इसको एक 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 दो एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आप सीखोगे अप्लाई कैसे कर। चलिए ठीक है भाई, इसको मैं रब कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ये आपको एक कॉनकेव मिरर दिया, अभी एग्जैक्ट क्लास 10th का रिपीटेशन है, क्लास 10th में भी आप ये करते। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस को आर कहते हैं। देखिए यहां मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो ये लाइट का डायरेक्शन है, लाइट ऐसे जा रही है, जिस डायरेक्शन में भी लाइट जाएगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करें। अब मैं आपसे कहता हूँ आर का साइन बताइए, आर का साइन क्या होगा, तो ये डिस्टेंस मेजर करना है ना सी और पोल के बीच में, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना मेजर करने का वो हमेशा पोल होगा, आप पोल से सी तक जाएंगे, सी से पी नहीं जाएंगे, पोल से। जब आप पोल से सी जाएंगे तो लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप पोल से सी तक जा रहे हैं तो लाइट के आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये आर आपका नेगेटिव होगा, लाइट राइट में जा रही है आप लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आर नेगेटिव हो जाए। इसी तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, आप पोल से ऑब्जेक्ट तक आ रहे हो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव। अब मान लीजिए यहां पर कोई इमेज रखी हुई है, ये इमेज है, ये इमेज डिस्टेंस वी है। अब बताओ मुझे अगर पोल से आप इमेज तक जाएंगे लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, पोल से अगर आप इमेज तक जा रहे हो तो लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे जा रहा हूं मैं ऐसे, हाँ सेम लाइट की डायरेक्शन, तो ये जो v होगा ये v पॉजिटिव हो जाएगा, v पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लिखवाया था मैंने, लाइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे आप तो डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएगा। चलिए इतना लिख लीजिए।
चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर। एक बेसिक सा न्यूमेरिकल कर लो। अच्छा एक चीज और याद रखिए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन है, फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। कोई भी मिरर हो ये सीधा रिलेशन है, दैट फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर of concave mirror is 10 meter. So concave mirror का radius of curvature 10 meter. या meter बहुत हो जाएगा यार, सेंटीमीटर ले लो, 20 सेंटीमीटर ले लो। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, अभी आप करेंगे मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन चलिए एक मैं कर देता हूं फिर आप सॉल्व करिएगा। इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, तो देखो अगर यहां पर हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लें ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, आपने यहां ऑब्जेक्ट रख दी और ये जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। सो देखिए यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट तो ऐसे जाएगी, आप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, -30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे -20, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाता है, तो -20/2 होगा -10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आपको चाहिए, करिए जरा सॉल्व करिए और बताइए मुझे कितना।
चलिए कुछ तो आंसर है। चलिए आया कुछ आंसर। तो अगर इसे मैं सब्स्टिट्यूट करूं मिरर फॉर्मूला में, 1/v प्लस 1/u इज 1/v, सो 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, सो इट्स माइनस 1/10 और ये प्लस 1/30 हो जाएगा। माइनस 3 + 1 माइनस 2/30 माइनस 1/15 माइनस 15। और अगर आप मैग्निफिकेशन लोगे माइनस v/u, u u कितना है माइनस 30, सो मैग्निफिकेशन आ गया माइनस 1/2। इतना यूज करना है सबको। देखिए रिफ्लेक्शन नहीं है सिलेबस में, लेकिन इतना तो एटलीस्ट आना चाहिए। इतना तो हम कहीं भी यूज कर लेंगे, किसी लेंस के रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में कंबाइन कर इतना यूज कर लेंगे। भाई हुआ चलिए रिफ्लेक्शन खत्म हुआ, इसको मैं रख कर रहा हूं। रिफ्रैक्शन में आज स्टार्ट नहीं कर रहा, रिफ्रैक्शन हम ट्यूसडे से ही स्टार्ट करेंगे। और बाकी आप अपना रिओप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैट रिवाइज कीजिए, वो जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप है वो इलेक्ट्रोस्टैट से ही शुरू करेंगे, बट उसके लिए थ्योरी तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं।